हेलो एवरीवन, कैसे हो आप। और आगे न्यू रेसिपी के साथ हमने बनाई है बहुत ही टेस्टी सी और सुपर डिलीशियस दिखने वाली शहीदम आलू की रेसिपी, बिल्कुल ढाबा स्टाइल में। एक बार खा लोगे तो बार बार खाने का मन करेगा। इसको बनाना बहुत ही आसान है। अगर मेरी आप रेसिपी पाना चाहते हैं तो मेरी वीडियो के अंत तक बने रहे। किस तरह हमने इसको बना के आज रेडी किया है। दम आलू बनाने के लिए हमने जो उबले हुए आलू लिए हैं, इनके छिलके मैंने उतार लिए हैं। फोक से हम इनको छेद कर लेंगे। और सभी आलुओं को मैंने देखो छेद कर लिए हैं और इनको हम फ्राई कर लेते हैं। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है, हाई फ्लेम पे हम इनको फ्राई करेंगे जिससे ये गोल्डन ब्राउन हो जाएं। और अब देखो आलू भी हमारे फ्राई हो चुके हैं, कलर इतना कितना अच्छा इनका कलर आ गया और क्रिस्पी से हो गए हैं। और अब हम इनको निकालेंगे प्लेट में। कितने अच्छे हमारे क्रिस्पी आलू फ्राई हो चुके हैं। सभी आलू हमारे देखो फ्राई हो गए हैं। जो ऑयल में डाल दिया है मैंने एक तेज पत्ता, और जो तोड़ के मैंने जो बड़ी इलायची डाल दी है, इससे फ्लेवर इसका अच्छा आ जाएगा। और जो 3-4 मैंने लौंग डाल लिए हैं, और जो कुटी हुई मैंने दालचीनी डाल दी है, मैं कुटी हुई दालचीनी का इस्तेमाल करती हूँ। जीरा डाल लिया है और डाली है 2-3 है लाल मिर्ची, वो कटी हुई हरी मिर्ची डाली है 2-3, और 4-5 मैंने जी काजू डालिए हैं, और कटा हुआ जी मैंने प्याज डाली है। उनको अच्छे तरह से हम गोल्ड ब्राउन होने तक इसको पका लेंगे। और अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया है 1 चम्मच, और इसको लगातार हम चलाते जाएंगे जिससे हमारा जी प्याज अच्छे तरह से फ्राई हो जाए। और डाल दिया 1 चम्मच गर्म मसाला, धनिया पाउडर, लाल मिर्ची पाउडर, हल्दी पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च, और नमक स्वाद के अनुसार, जितना नमक हम खा सकते हैं। और इन सभी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और हमारा जी प्याज भून गया है। अब डाल दिए हमने टमाटर, टमाटर को भी अच्छे तरह से हम सॉफ्ट हो तक इसको भी पका लेंगे। और देखो हमारा अच्छे मसाला बन के रेडी हो गया। इसने ऑयल भी छोड़ दिया है। और जी मैंने एक कटोरी दही लिया है, इसको अच्छे से मैंने फेंट लिया है। दही ज़्यादा खट्टा नहीं होना चाहिए। और इसको हम लगातार चलाते जाएंगे जब तक इसमें उबाल ना आ जाए। और उबाल भी आ चुका है। अब डाल दिए मैंने जी फ्राई किए हुए आलू, और इनको भी अच्छे तरह से हम पका लेंगे। और डाल दिया है मैंने जी 1 कटोरी इसमें पानी, जितना मुझे ग्रेवी चाहिए। और इसको ढक के मैं 5-10 मिनट के लिए इसको पका लूँगी। और देखो जी हमारे आलू पक के देखो ये रेडी हो चुके हैं, सुपर डिलीशियस टेस्टी टेस्टी, बिल्कुल ढाबा स्टाइल जैसे। और डाल देते हैं इसको सर्विंग बाउल में सर्व करने के लिए। आप उसको रोटी पराठा चावल किसी के भी साथ सर्व कर सकते हो। बहुत टेस्टी टेस्टी हमारे आलू बन गए हैं। और अच्छी लगे आपको हमारी आज की रेसिपी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। डाल दिए धनिया पत्ते, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कैसी लगी आज की हमारी ये रेसिपी। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, अब तक के लिए बाय बाय।